भोले बाबा जोगिया हो राम इस दुनिया में आज नहीं तो कल सदियों से आप देखते आ रहे हैं छल की मार हुई है चाहे भगवान राम और रावण की लड़ाई हो या भारत की लड़ाई हो या इस समय की लड़ाई हो हमेशा छल की मार हुई है। कवि जी इसी को बड़ा सुंदर भूमिका में भाव लिखते हैं बहादुर परिभाषा भाई का कैसे लिखूं परिभाषा भाई का कैसे लिखूं जिसे सारी दुनिया सहोदरी बताए खून से खून का प्रीश जोड़ू कहा जब भाई ही भाई का दुनिया जलाए मौन रह रही जाहिर करे बुझ दिली परिटते परिटौड़ना है संभव नहीं कुछ यतन कल्पना परि परे कर गया हे कलम की लड़ाई संभव नहीं इंसान के पहचानल मुश्किल बाए बाबू कौन कैसा है चेहरा पहचानना मुश्किल है चाहे आप हो चाहे हम हो चाहे मेरा ही परिवार के लोग हो चेहरा पहचानना मुश्किल है। कवि जी इसी भाव पे बिरहा के अंदर बड़ा सुंदर गजल के अंदाज दिखते हैं बहादुर इशारा किया है बहादुर अरे ऐसे कैसे हो जाए अरे ऐसे कैसे हो जाए मोहब्बत के सब Thank you.
कहानी के करबा कैसन बा ए बाबू, बिरहा के अंदर नजर गलाई दिया गई आ यही जैसे बिरहा के शुरुआत बतावल गई कहानी बा कोने समय के। जाते हैं इलाहाबाद के अंदर एक छोटे गांव जोने के गांव का नाम बतावल गई भोजू सराय। भोजू सराय के रहने वाला एक छोटा ही परिवार, जिस परिवार में दो भाई हैं, बड़का भाई के नाम जय और छोटका भाई के नाम विजय बतावल गई। दोनों भाई गरीबी में दिन बितावत हैं, मेहनत मजदूरी करे तो समय पर भोजन नसीब होके। आज ये मजदूरी ना करे बाबू वो दिन घर के चूल्हा भी ना जले। धीरे धीरे समय बीता गया, भगवान के माया कुदरत के ऐसा देन भइल कि गरीबी में ही दोनों भाइयों की शादी हो जाती है। दोनों भाइयों के दुलहिन आईली, बड़का भाई के दुलहिन के नाम गीता और छोटका भाई के दुलहिन के नाम बतावल गई सीता। पांच साल लैला हो गई, लेकिन पांच साल के बाद भी दोनों गीतावा के चाहे सीतावा के कोनो संतान पैदा ना भइल। गांव नगर के लोग जे भी देखे ताना मारे की कुलक्षणी बड़ी सब ई बाजिन बड़ी सही, यानी के कोनो औलाद पैदा ना होई, यानी के मुंह देखल बाप बार। ये बाबू कहेला आदमी की सब दुख सहा जाई, लेकिन औरतन खाती औलाद के दुख बर्दाश्त ना होला। बड़की दुलैया गीता रोती कि हे भगवान, आखिर अभी से का कसूर हो गई जो ना कसूर कितना बड़ा सजा देता नहीं। बैठ के एक दिन रोत दिया है बाबू, अपने आप के कोसा दिया कि वहां तक की जरूर कोनो भूल चुक हमसे हो गई, जो उन्हें भूल चुक के सजा भगवान हमके देता नहीं। धीरे धीरे छुआ साल बीते लगल, संजोग ऐसा बा कि भगवान की एक रोज मर्जी हुई, गीता गर्भवती होती है। आज जब गर्भवती भइली तो परिवार के लोग बड़ा खुश, बड़न विराम गीत लगे मास्टर साहब। ऐसे ननद भौजाई में नोक झोंक होत रहेला।
ननद से पूछल कैसे इलाज हुई। ए बाबू कैसा हूँ गांव नगर के सहारा से कुछ पैसा व्यवस्था करके गीता के लेके लोग हॉस्पिटल गयी। रात कैसा हूँ बीतल सवेर के बेला में गीता एक बेटे को जन्म देती है। वह बेटा ऑपरेशन से पैदा भई। ऑपरेशन के द्वारा गीता एक बेटे को जन्म दी। परिवार के लोग बड़ा खुश बड़न गोदी में लेके खेलावत अलन चुमत अलन चाटत अलन। लेकिन धीरे धीरे जब 3 घंटा का समय बीतल है बाबू अचानक भाई का विराम गीत दिल गई। यो बहुत पुरान गीत बा मास्टर साहब। पुरान गीत में जो लहर बा पहले आदमी की पुरान गाना पुरान खाना पुरान जनाना पुरान मर्दाना ना। हाँ भैया दोनों रहे तब फायदा करी। पहले के जमाना में कैसे लोग गीत के गावे मास्टर साहब। I'm
इतना भैया चाचा लोग बैठल बनी आप लोग जानत हो पहले के जमाना में जितना मोटा आंजा चले जितना मोटा आदमी अनाज खाए रोग से दुख से दुख। आजकल के जमाना में जितने वीआईपी व्यवस्था हो गई पहले के जमाना में जाम में पीस के लोग आटा खाए एक घड़ी के जमाना में मिल में देखे पिसा एक घड़ी पाकिट वाला आटा लोग खाता है। पहले के जमाना में चना पिसा वही के रोटी बने मटर के रोटी बने एक घड़ी के जमाना में मैदा मिलाई के आटा में बनावल जाता है। जितना वीआईपी व्यवस्था बा उतना रोग बा। पहले के जमाना में घर ही डिलीवरी हो जाए बच्चा पैदा हो जाए। आजकल के जमाना में जहाँ पेट में दर्द उठो कि लोग हॉस्पिटल लेके भागत हो चलो ना तो कोनो ऐसा बात हो जाए परिवार के लोग हॉस्पिटल लेके गए बड़ा सुंदर गीता बेटा के जन्म दे ली मात्र 3 से 4 घंटा के समय बीतल बा ऑपरेशन से बेटा पैदा हुआ है। आज जब 4 घंटा बीतल अचानक इतना तेज दर्द उठे लगल कि परिवार के लोग हे बाबू परिवार के लोग मजबूर बड़न आखिर भई तो का भई सब लोग परेशान बड़न डॉक्टर से लेके कंपाउंडर से लेके सारा लोग परेशान यही बीच में भई के मास्टर साहब जी सुनत नहीं बस मन बुझा था कभी कभी इतना तेज दर्द हो सकती बुझा था कि दुनिया में हम बच ना पाई हम तो मर जाई जी लेकिन ये वो वादा करी जो ना बेटा खाती हमने कितना कष्ट उठाओ नहीं जा जो ना बेटा खाती इतना ताना सुन नहीं जा हमसे वादा करी कि बेटा के कोनो प्रकार के दिक्कत होके ना दे रोत और जय सिंह ऐसा बात कोनो लेके आपके कुछ ना हुई लेकिन देखते ही देखते गीता इस दुनिया को छोड़ करके चल बसी मासूम बेटे को छोड़ करके चल बसती है। एक तरफ अपने बेटा के गोदी में लेके जौन जय सिंह खुश रहल वही बेटा के एक तरफ निहारो तड़न एक तरफ दुल्हन के निहारो तड़ने बाबू भाई का मंजूर था अपने मासूम बेटे को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए गीता इस दुनिया से चल बसती है बाबू। एक तरफ बेटा के जन्म लिहाला के खुशी तो दूसरे तरफ दुल्हन के मरला के दुख ये दुनिया में कैसे बर्दाश्त हुई उससे पूछिए जिसके जवानी में ही उसकी दुल्हन साथ छोड़ गई हो ये दुनिया में कैसे अपने मासूम बेटा के लेके जियब जय सिंह रोवा तड़न है बाबू कैसों परिवार के लोग लेकर के गीता क्लास के घरे इलम गरीबी में एक अंतिम दाह संस्कार किया गया पहला के बाद फिर वह चुहिया के चुहिया मजदूरा वह जय सिंह फिर मजदूरी करने लगे जौन भी पैसा मिला था वही पैसा के सहारे जय सिंह अपने परिवार के लेके ए दुनिया में जिए लगलने बाबू मजदूरी करत रहन परिवार के लेके जिया तरन धीरे धीरे समय बीते लगल नतीजा निकलल का विरह में गीत दे गए मास्टर साहब कौनो दुलही अपने दुल्हा के खोद के कुछ कहले रहो कहा खोदले ये तो देखना पौनी की कहा खोदले रहो लेकिन दुलही कहले रहो अपने दुल्हा से मन कर सिलावती लो
हाथ धोली
से धीरे धीरे पेट में दर्द बाए बाबू एक दिन रात में ऐसा गुहा तक कि अब अपने आप के जय सिंह रोक ना पाई हो। धीरे से अपना छोटका भाई विजय सिंह के बुलाए के कलम भैया हो, बड़ा दिन से तो से कुछ बतावे वाला रहनी लेकिन शर्म से लोक ला से हम तो से कुछ बतावे ना पावत रहनी। जाना तो हमारे अंदर इतना कमी बा कभी कभी बुझा था कि तुहार भाई ये दुनिया में ज्यादा दिन जिए ना पाई। छोटा भाई विजय सिंह रोने लगे कि आप कैसन बात करो तड़ो, अरे ये दुनिया में जब आप ना रहो तो तुहार छोटका भाई केकरे सहारे जी ही। आप चिंता मत करो भैया, भले हमनी के गरीबी बात का हम गरीब बनी तका लेकिन वादा करतनी कि हमरा रहते तो के कुछ होके ना पाई। अरे शरीर के खून के एक एक कतरा बेच दे वही खून से आपके इलाज करवाई, आपके कुछ होके ना दे भैया। आप चिंता मत करी, सबेर भइल अपने बड़का भाई के लेके बाबू विजय सिंह हॉस्पिटल गइलन चेक करावल गई। आज जब चेक करावल गई तो डॉक्टर साहब का रिपोर्ट यही निकला कि जय सिंह के हृदय की गति धीरे धीरे अपना काम करना बंद कर रही है, यानी हृदय की गति अब धीरे धीरे रुका तब जय सिंह ये दुनिया में ज्यादा दिन जिए ना पाई हम। छोटका भाई विजय सिंह सुनला ने बाबू जैसे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। डॉक्टर साहब से हाथ जोड़ के कहलन कि ए साहब कोनो उपाय लगाई हमरे भाई के बचा ली साहब, हमरे भाई के बचा ली ए साहब। आप पैसा के चिंता मत करी, कहीं से व्यवस्था करब, कहीं से पैसा के जुगाड़ करब, लेकिन मेरे भाई के कुछ होके के ना चाहिए साहब। लेकिन ये बाबू मारने वाले ऊपर वाले हैं तो बचाने वाले भी ऊपर वाले हैं, जवन किस्मत में लिख दिल बड़नों के कोई मिटावे वाला पैदा नहीं खेले ले। लाख इलाज होते रह गई, लाख सुई दवाई चलते रह गई, हॉस्पिटल में जय सिंह भर्ती है, लेकिन अचानक एक रोज हुआ क्या, बिरहा के अंदर गीत गल गई मास्टर साहब। मास्टर साहब पैसे लोग गीत के गाँव पिक्चर के गीत। अरे तुम अगर साथ देने का वादा करो हम यही बेटा बनाऊंगा इसी दुनिया में, उस बेटा को लेकर के मैं हर खुशी पूरा करूंगा और कोई चीज की कमी उसे महसूस होने नहीं दूंगा।
हाँ भैया मैं वादा करता हूँ। बड़ा भाई कहा कि एक और मेरी बात मानोगे? क्या कहा? माननीय श्री राम जी या डॉक्टर साहब, सिकंदरा की धरती से आप 100 रुपए देके सम्मानित के लिए बनी 100-100 बार आपके प्रणाम। क्या कहा है? सौंप कर जा रहा हूँ, सौंप कर जा रहा हूँ अमानत तुझे भाई अब ओ बेटा के दुनिया में कबो बाप के कमी खा लेना देबो। गरीबी में अपने भले भूखे पेट सुतबा, लेकिन सबसे इस दुनिया में शिक्षा जरूरी है। मेरे बेटे को पढ़ा लिखा करके अच्छा इंसान बनाओगे? छोटका भाई वादा कर लो कि हाँ भैया, तोरा बेटा के अपन बेटा बना के रखब, पढ़ा लिखा के अच्छा इंसान बनाई। दोनों भाई बात कर ही रहे थे, देखते ही देखते इस पिजा को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए पंछी उड़ गया बाबू। अब जब पंछी उड़ गई तो कभी बिरहा के अंदर टेरी निकल अरे मोरे राम, अरे अफसाना दिल का दिल में रह गया, अफसाना दिल का दिल में रह गया, जगत को छोड़ हुआ रवाना, अफसाना दिल का दिल में रह गया। हमेशा हमेशा के लिए एक भाई अपनी भाई को छोड़ करके चल बसा। तो कबीर जी लिखते हैं कि भाई दुनिया से चला गया, भाई पड़ गया अकेला है। भाई दुनिया से चला गया, भाई पड़ गया अकेला है, लोग या यही समझाए रहे यह जीवन 2 दिन का मेला है। सावन के जल बन करके सींचे भाई के फुलवारी को, 10 साल का हुआ है राजू खाके दूध मलाई को। एक दिन एक ब्राह्मण दरवाजे आकर के अलख जगाया है, देखा एक महिला की गोद में खूब सुंदर बच्चा पाया है। भाई के गुजरला के बाद वही भाई के बेटा के आपन बेटा बना के एक दुनिया में लेके जिए लगल ने बाबू। एक दिन संजोग ऐसा बा कि बैठ के काम पर से अइलन, बैठ के अपने दुलहिन से सलाह करतलन कि सुना तड़ू, आज हमार दिल तो से कुछ कहल चाहता है। सितवा कलस किए जी बोली ना, का कहल चाहतनी? कौन विजय सिंह की बड़ा दिन के बाद सोचला के बाद हम तुझसे यह कहल चाहतनी कि जौना कही भैया मरत रहलन न, तो भैया उनसे वादा करोलन और कसम खियोलन कि हमारा बेटा के आपन बेटा बना के रखी हो। वही बेटा के हम आपन बेटा बना के रखब, अगर साथ देबू तब। रोवत ये कहती कि ये जी पत्नी के अज्ञा, पति के अज्ञा के पालन कई पत्नी के धर्म होला। बोली ना का कहल चाहतनी? कहलन कि बस ये हम कहल चाहतनी कि वही बेटा के आपन बेटा बना के ये दुनिया में जौन माई के प्यार होला का देबू। पति के अज्ञा के पालन करते हुए बाबू सीतावा कलश किए जी आपके बस एक वचन हमारे खातिर सब कुछ बा। आज के बाद हम वादा करतनी भगवान कसम अपना से कोनो औलाद पैदा ना करब, यही बेटा के अपन बेटा बना के रखब। भाई दुनिया में साबित करब कि खाली माइये ना, माई से भी बढ़ के दुनिया में मातारी होली। वही बेटा के अपन बेटा बना के रखब। माई के गुजरला के बाद चाची के प्यार जब ए बाबू मातारी से बढ़ के मिले लगल, भूल गया वह छोटा सा मुन्ना। चाचा के प्यार, चाची के प्यार पाल के धीरे धीरे जब 10 साल के भइल, प्यार से लोग नाम रखले बड़न मुन्ना। मुन्ना एक दिन दुआरी पर खेलत रहल, आजकल के देखते बनी पाखंडी साधु लोग के बड़का बड़का दाढ़ी झोटा बढ़ाई के। वो पंडित जी रहे के जमाना में गेहूँ चावल नहीं खेलो ले, ये घड़ी के जमाना में रोकड़ा चाहता है, रोकड़ा माल चाहता है, भिखारियों लो ऐसा भिखारी नहीं खेलो, बस 50 से लेके सैटकिया चाहिए, दिन भर मांगा तो शादी कन चढ़ाए के फिट। बड़ा कुमार खाल कर प्रमाण बतावल गई कि एक
साधु बाबा इनन दुआरी पर लड़का खेलत देखलन बोलवलन आ बुलाए के कलन किए जी है केकर लड़का बा बड़ा सुंदर बा ई लड़का बड़ा होनहार बा सीतावा कलस किए जी गुरु जी हमारे बेटा का कौन बात बका पंडित जी का ना ना कोनो बात नहीं खे लेकिन ई लड़का देखे में बड़ा तेज किस्म के लगता है बड़ा चंचल मिजाज के बा लड़का आज ना तकाल जइया बड़ होई ना ई पढ़ लिख के बहुत बड़ा इंसान बनी आज ना तकाल बहुत बड़ा इंसान बनी लेकिन एगो एकरा में अशुभ भी लक्षण बा ई लड़का जइया पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनी तो ओकरे संग घात करी जेकरा के ए दुनिया में जियावता कलस की का कहत नहीं पंडित जी कहलन हाँ हम सच्चाई कहत नहीं तो बहकावत है ओकरे संग घात करी जेकरा के ए दुनिया में लेके जे जियावत ओकरे संग घात करी ओकरे ई बुराई करी सुनलस चचिया ए बाबू मेहरारू के दिमाग तुरंत बदल गई नारियों का अलग अलग रूप होता है हमारे कवि जी लिखे थे उस समय मेरा जन्म भी नहीं था लेकिन मैं सुनी थी हमारे कवि जी लिखे थे कि नारी ही नर को जन्म देती जग में सुमन से जो सबको सजाती है नारी नारी के उर में है रमते नारायण महामाया जग में कहती है नारी नारी से कोई नहीं पार पाया भटके को रास्ता दिखाती है नारी वाह है नारी वाह खेत भरे वाला नारी मोरी ना नारी का मतलब औरत औरतों का रूप अनेक होता है दोनों लोग नारी कहलो जनो पंडित जी से सुनल दिमागे घूम गई अरे बाप रे बाप बहुत बड़ा गलती कर देली एकरा के आपन बेटा बना के दुनिया में इतना दिन ले के आपन बेटा के तरह पलनी पोसनी खिया के तरह बड़ा कईनी आई कमीना जरिया बड़ा आदमी बनी हमारे संग घात करी ऐसा काम करब की न बांस रही न बसुरी वही दिन के पाप पाप सवार हो गई आज जब पाप सवार हो गई तब नतीजा निकलल का गीत दिया गई काहे वो जब बने नीरा के नीचे वाली आदतें नहीं आप चढ़ जो मर्दवा ये गीत के बड़ा प्यार से गवैया गावे मास्टर साहब पिक्चर के नाम बतावल गई धर्म काटा पैसे लोग गावे अरे एक गोटे दारी लहना एक गोटे दारी लहना निकलू जब चाची को चुभे लगल लाल दिन राती हो
जाई बड़ो सांझ के समय बा जाल के पलंग पर सुतल बन हो जाए वो दिन सजावे बना ली हलो का बना ली हलो सौदा बना के एकदम टाइट दिया गोल पचरे हो रही बना के खाना साजा ही बना ले लस बना के देख लस के आई के सुतल बन वाह वाह तो करू तेल गरमा ली हलो हां ओमे दुगो लहसुन के जवा डाल दी हलो आ करू तेल गरमाई के जाए के ओही गोटारी बैठ गई लागल उनके देह दे में मले अरे वाह लागल गोड़ में मले कहा कहा मल्लस ये तो ना देख पोनी लेकिन मलत मलत उनके गियर में लिया दिया अरे वाह खूब मलते हलस के तेल मलत ये नो आते हो ये मलत इतने कौन कोई ना होता ही हूँ हाँ कुछ ना दिया ना चलो ना चले भी कहा कहा तो ना रो मत तो के कहा चाहिए कहा तो ना कि आस्ते हो कहा कि रो मत कहा चाहिए तो के पैसा चाहिए तो के गहना चाहिए तो के साड़ी चाहिए का चाहिए बलस के हमरा के ई ना चाहिए जो ना मुनावा का अपन बेटा बना के रखले बड़ो ना अरे उ तो गलावा जइया बड़ा आदमी बनी ना हमनीर के संग घात करी हमार बात मानो बहुत हो गई हमनी के जान के दुश्मन मुनावा बा और इसन काम करो कि न बांस रही न बसुड़ी मुनावा के हमेशा हमेशा खाती हमारे जिंदगी से दूर कर दो रोवत और की पगला गई बड़ू का पागल हो गई बड़ू का आए हाय हाय अरे जौना मुन्ना के जौना बाबू के जब बोलने ना आवे तो बोले सिखौलू आए हाय कटोरी भर भर के दूध पियवलू आंगन में वो मुन्ना के अंगुली पकड़ के चले सिखौलू अरे आज इतना पापी बन गईलू कि वो मुनवा के जार के दुश्मन बन गईलू ये काम हमसे ना हुई भले दुनिया में जिया चाहे ना लेकिन ये काम हमसे ना हुई बात करके कहती है कि मैं जानती थी ये काम आपसे नहीं होने वाला है काम करो सवेर होई को काम के खुद हम करो वाह वाह रात कैसे हो भीतर सवेर के बेरा में देखलस कि काम पर गइलन तो तुरंत लागल अपन उपाय लगा दे उपाय के लगोस बिरहा में बड़ा सुंदर गीत दिहल गई काल सवेर के बेरा में ये लगोस भाई के जमाना देखते बनी फोन के बाद तुरंत फोन लगोस फोन लगाए के अपने भाई के बुला लेलस वाह 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 अब भैयावा के बुलाए के रुपया के लालच दे के करस कि भैया जाना तो तोके वो काम से बुलाले बनी अगर तोके पैसा चाहिए तो तोके पैसा दे तोके धन चाहिए तो धन दे लेकिन तुहार बहिर राखी के बधाई में तुझसे कुछ मांगले नहीं है आज पहली बार तुहार बहिर तुझसे कुछ मांगत ये का देबो एक भाई कहता है कि हाँ मैं दूंगा कलस की बस राखी के बधाई में इहे कद हौ जौन मुनावा बानो ओ मुनावा के हमरे जिंदगी से दूर कर दो सबसे बड़ा हमरे जिंदगी का कांटा इहे लड़का बा कि अगर हमनी के रास्ता से हट जाई ना तो हमर जिंदगी जीना आसान हो जाई ए बाबू पहले के जमाना में भी ना आज के जमाना में भी ऐसा ऐसा कौन सा मामा ए दुनिया में जियत हवन पैसा के लालच में आई के उ मामा लगल मुनावा के अपने डीलर में ले ले कभी दुकानी पर ले आ जाके बिस्कुट खियावे कभी चाय पियावे कभी जिलेबी किनवावे तो कभी बढ़िया बढ़िया कपड़ा किनवावे धीरे धीरे जब मुनावा के अपने गियर में ले ले हस एक रोज कैलाश का मास्टर साहब ए हो पार दंडो भाई हो आओ हो Come on.
दिन से तोर मामी तो के देखे खाती बुलावत रहो। हमरा लगे टाइम ही ना मिलत रहो कि तो के आके लेके जाए। आज बड़ा बढ़िया मौका बचल, तोरे मामी से मुलाकात भी हो जाये। रात भर रह सवेर हुई फिर हम तो के लिए आके पहुँचा दे। ए बाबू 10 साल का उम्र कोई बड़ा नहीं होता है, बहला के फुसला के अपने कब्जा में लेके जब वो मुन्ना के लेके चले लगल तो कवि जी भाव लिखल घर के बहाना। मुन्ना कहता ये मामा अब हमसे चल लेके जात, अब हम हमसे चल लेके जात मामा, समझावत कि ये मुन्ना अब कुछ देरी के बाद तेरे मामी से मुलाकात हो, चिंता मत कर। जंगल के रास्ते को पकड़ करके आगे जब गया तब देखा तो निर्दयी मामा कि जंगल के बहरी एगो नदी बा, नदी के किनारे एकदम बिल्कुल कोई नहीं के सुन जा शांत जगह बा, शांत जगह बा। ये बाबू नदिया के किनारवा ले गई और इतना निर्दयी बन गया, इतना कठोर उसका दिल था तो मासूम मुन्ना के सुन शांत जगह देख करके बाबू नदी के किनारे जमीन पर पटक दिया। मुनवर रोवे लगल समझ ना पावे कि आखिर होत का बात। हे मामा, ए मामा ऐसा काहे आप करत हो मामा, का हमसे कोनो गलती हो गई का मामा, हमसे कोनो गलती हो गई मामा। अरे मुनवर से कोनो गलती हो गई बता, हमके माफ कर दे ना मामा, हमके माफ कर दे ये मामा, आज के बाद ये मुन्ना से कोनो गलती ना हुई। लेकिन थोड़ा सा भी हम नहीं किया, उस मासूम मुन्ना को जमीन पर पटक करके बाबू निर्दयी मामा जब पाकिट में से चाकू निकाल करके मारने के लिए चला, मुनावा के जैसे वो आधा पूरा दुनिया लूट गई है मामा। तू तो कहत रहा कि मामी से मिलावे ले जाता नहीं ना, ए मुनावा के, ए मुनावा के मारे खातिर तैयार बड़ा का, ये मुन्ना के का कसूर बा मामा, बताओ ना मामा, आज के बाद ये मुन्ना कोनो गलती ना करी। डांटता है कहता है कि जान का दुश्मन मैं नहीं, जिसे मां समझते हो ना वही तेरी जान की दुश्मन है, उसे तेरा जान चाहिए। रोत है बाबू और रो के मामा से कहलस का जनावा मरेला चाहे कभी माई के कभी महसूस होके ना देली, चाचा जो ने चाचा की बाप के कमी कभी महसूस होके ना देलन, वो हमारे जान के दुश्मन बड़ा, हमें दुनिया में जियल लिखी चाहत मामा पर जान मार दिया। लेकिन मारे से पहले का एगो हमारे विनती सुनबा, डांट करके कहता है कि
अमीना जल्द बताओ क्या बोलना चाहते हो। 10 साल का मुन्ना यही कहा कि मामा हमर जान मार दिया लेकिन मारे से पहले को काम करबो, एक कागज का टुकड़ा मुझे दे दो, उसी कागज के टुकड़ा में अपनी दिल की सारी बातें मैं लिख डालू, मुझे मार देना लेकिन मरला के बाद ये मामा एक कागज के टुकड़ा हमारे चाचा के जरूर दे दियो मामा, हमारे चाचा के जरूर दे दिया ये मामा। गुस्सा में वह कमीना जो लाल था मारने के लिए तैयार था, एक कागज का टुकड़ा दिया, उस कागज के टुकड़ा में मुन्ना क्या लिखता है विदेशिया भेल गई। अरे केतना भाग हम अपनी दुनिया में, अरे मम्मी पापा छोड़ी की पराई ले धर्म के माई बाबू अच्छा चाचा ची बना दुनिया में हमू जियल लेकी चाह आखिर के करा सारे दुनिया में जियो। कहल आदमी की माई के दिल मोम के समान होला नो, अरे जब माई अपन दिल पत्थर के बना लीली ते दुनिया में कैसे वो बेटा जी। हमर जान मार दिया कागज के टुकड़ा में रो रो करके बाबूजी लिखा क्या था विरह के अंदर बड़ा सुंदर गीत लिखा गई। विश्वास कोई करी जवना मुन्ना के ये दुनिया में आइला के बाद ये मुन्ना कभी पूरा दुनिया भी देखले ना रहल ना, ये मुन्ना के पूरा दुनिया देखे लायक बनोलो, ओढ़े से लेके खाए से लेके पहिरे से लेके ये मुन्ना के चले तक सिखौलो। आज इतना कठोर बन गईला, इतना निर्दयी बन गईला के मुनावा के जान तो के चाहता। अरे एक बार ते मुन्ना से कोई के देखा ले रहा था, बोले ये मुन्ना तो आर बेटा देखे लेकिन एक बार कोई के तो देखा ले रहा था। अरे रुपया पैसा तो हम तो मत कौन चीज होला, एक बार ये मुन्ना से कोले रहा तो मुन्ना अपन गर्दन उतार के तोरे चरण में रख दे रही थी चाचा, लेकिन ये मुन्ना के तो किया पर विश्वास ने क्यों नहीं है कनावा पर हमारा तो विश्वास है लेकिन वो क्या हमारे जान के दुश्मन बड़ो रो करके कितनी अच्छी बात लिखा था। राम धन्य धरती धनवा जाए।
कुछे पल के मेहमान बाए चाचा, अब कुछे पल के मेहमान बाए दुनिया के सारा दौलत लेके तू राज भोगिया। गांव नगर के लोग ये कहलन कि ना कोई कुछ लेके आई बा ना केहू कुछ लेके जाई। मुट्ठी बांध के हर इंसान आवेलन ए बाबू, हाथ पसार के दुनिया के छोड़ के चल जालन। विश्व विजेता सिकंदर उसके पास तो दुनिया की सारी दौलत थी, लेकिन जब आखिरी सांसें लेने लगा तो यही बनारस के धरती चंदौली के धरती पे आखिरी जब दम तोड़ने लगा तो अपने मंत्रियों से यही कहा, अपने मंत्री से ये कहलन कि हम जब मर जाइए ये दुनिया के लोग जब हमार अर्थी लेके चले हन तो हाथ पर सबके कफन से तोप दिया जाला। हमार जब डोली उठी चार कहारे डोली के लेके चले हन तो ये हम विनती करत नहीं कि हमार हाथ कफन से बाहर निकाल दिया जाए, ताकि दुनिया वालों के ये मालूम हो जाए कि विश्व विजेता सिकंदर एकरे लगे कौन चीज के कमी रहा। लेकिन यो जाता तो खाली हाथ जाता, दुनिया वालों के अभास हो जा कि केहू कुछ लेके नहीं आईला ना ही केहू कुछ लेके। इस दुनिया में कीर्ति ही सबसे बड़ा दौलत है। मरने के बाद जो नेक इंसान होते हैं, जो अच्छा करतब कमाई करते हैं, जाने के बाद दुनिया उनकी गूं को गाती है। ये धरती पर जो दूसरा के गर्दन काटेला लोग ये कहलन मारस तरवा मर गिल था अच्छा भाई, देश के काम जास रहे ये खाली फुटरू फुटरू फुटात रहे खाली पैसा लेते रहे। रो करके एक और बात लिखा था क्या, आप करी चाचा भैली लिखे भागा मुन्ना में बात। अरे जन्म ले ली तो जन्मते अपने माई के खा गई, माई के प्यार ना मिलल, बाप के प्यार कुछे दिन मिलल कि बाप के साया भी हमरे सर से उड़ गई। बाप के प्यार चाचा से, माई के प्यार चाची से मिलल, ताज ऐसा दिन देखे कि मिल गई कि चाचा चाची हमरे जान के दुश्मन बन गई। विश्वास से मुन्ना पर ना गई कि कहीं औलाद से बढ़ के मुन्नवा हमके मानेला। एक बार प्रेम से कहले रतन चाचा, प्रेम से हमार चाची कहले रतन, दुनिया के सारा दौलत का अपने चाचा चाची के चरण में आपन पूरा जिंदगी रख देले रहती। चिट्ठी ली करके दिया कर से मामा तो के हमार जान चाहिए ना, हमार जान मार दे दुनिया में हम जिये लेकी जान, मामा हमार जान मार दो। मारने के लिए चला तो मन में यही सोच रहा था, इतनी चिट्ठिया के पढ़ी आती वो चिट्ठिया में मुनामा लिखले का था, पापी के हमेशा अंदर पाप होला। चिट्ठी जब पढ़े लगल है बाबू तो मन में यह सोचा था, पढ़ा था सोचा था कि आखिर मुनावा की गलती का बा, जौना मुनावा के हम जान के दुश्मन बनिए मुन्ना के गलती का बा, ऐसा काम करब कि सांप भी मर जाये और लाठी भी बात जाये, ये मुनावा के मारब ना और पैसा भी हमके मिल जाये। ये बाबू मुनावा के मरलस ना जान ले जाके अपने मित्र के यहाँ छिपा दिया, पैसा के लालच में मुन्ना के वो हाथ की अंगूरी काट के वो कागज के टुकड़ा में लपेट के लेके चलल। तो कवि जी बिरहा के अंदर बड़ा सुंदर अल्लाह लिखल, कवि जी बड़ा ही सुंदर अल्लाह के लाई में संकेत करते हैं, I'm
के टुकड़ा में पहुंचल घरे जा के अपने बहिनिया के देहस के ले राखी के बधाई में इहे चाहत लीनो आज तोर भाई तोर कहल कही के मुनावा के जान मार के फेंक देले बा आज के बाद मुनावा कभी तोरे सामने ना आई देखल से बाबू हाथ के अंगूरी पपिनिया बड़ा खुश दिया अच्छा भाई कम से कम मुनावा हमारे जिंदगी से दूर तो हो गई लेकिन संजोग ऐसा भाई बाबू भगवान का भी महिमा गजब है एने तो खुश दिया लेकिन जब कागज के टुकड़ा के लेके बाबू को मामावा जब चचावा के दिहलस जैसे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई जवन चाचा की औलाद से बढ़ के अपने भाई के ए दुनिया में बेटा के जमले रहल अरे कैसे ए दुनिया में बात के कोई बर्दाश्त करी हो जैसे छाती फाट गई रोवत रहल की का भैया हमारे मुन्ना के मार के फेंक दिया हमारे मुन्ना अरे हमारे मुन्ना कौन हालत में बस कहा मार के फेंक ले बड़े भैया एक बार हमारे मुन्ना से मुलाकात करा देते ना एक बार देखा देते कि हमारे मुन्ना कौन हालत में बा रोत हम की दुनिया में जब हमारे बेटा जिंदा नहीं थे ते दुनिया में हम जिए ना पाई ए दुनिया में हमारे बेटा नहीं थे तो हम जी के का करो ये बाबू रोत हम की ए दुनिया में सबसे बड़ा दौलत एक पिता के लिए औलाद होता है ये दुनिया में जब बेटे नहीं थे तो बाप जी की का करी वो पपिनिया ने खुश दिया रोत हम के भैया जैसे मेरे बेटा के मरलो हमरो जान मार दे दुनिया में हम जियल लिखी चाहत सारावा बहरी लिया के कहस की जीजा जी चिंता मत करी आप काहे का क्यों मुनावा के चक्कर में पड़ के अपन जान देता नहीं कहस की जान ना ये दुनिया में हम जियल लिखी चाहत हम के मार दे भैया दुनिया में हम जी ना पाई कहस की चिंता मत कर तू जियब जरूर जियब हमार बात माने ये दुनिया में अगर मुन्ना के पावल चाहत मुन्ना के देखल चाहत तो खाती तो के दौलत यानी पैसा देवे के पड़ी गरीब इंसान कहता है इंसान कि मरता क्या नहीं करता मजबूरी के नाम लोग महात्मा गांधी रख ले रहे बाबू कहो कि ठीक बा भैया तो के पैसा चाहिए ना लेकिन एक बार मेरे बेटे से मिला दो कि मेरा बेटा किस हालत में है पैसा के लालच में बाबू उस सारावा तुरंत टेलीफोन लगाई को मुन्ना के बोलो समझ गई कि हमार जीजा जी ये दुनिया में जिए ना पई हो तो जब जीजा जी ना जी हम तई बहिनिया जोन बिया ना हां उराण हो जाई देखा ये स्वार्थी दुनिया बा मुन्ना के बुलाई के कहस के मुन्ना के लो हमके पैसा दो मुन्ना के ले बाबू पाई के छाती से लगाई के चाचा जैसे दुनिया के सारा दौलत पा गईल जैसे दुनिया के सारी खुशी मिल गई सुखी हुई टहनी में फिर से हरियाली आती है ओ मुनावा के लेके जब अंदर गईल तो कभी जी खड़ी लिखलन बाबू अरे खुशी जगत से तबे भगवान होई है अजहिया धर्म के पुजारी नसान होई है दौलत घर मकान लेके तू राज एक घर में ना हम रहम ना हमार बेटा रही ए बाबू झूठ मूठ के रहत है कि ये जी गलती हो गई हमके माफ कर दी कौन कि ना कहला आदमी कि एक बार गलती होला इंसान होके कहल जा रहा है बाबू दो बार गलती होला तो कहला आदमी कि दूसरा बार जे गलती करेला ओकरा के लोग आज गलती पर गलती करेला ओकर शैतान कहेला कलम के आज के बाद घर में ना हम रहम ना हमर बेटा रही तू राज भोग अपने भाई के लेके रोवे लगल आज जब रोवे लगल बाबू तब
कभी कभी समय पर आदमी के ज्ञान होला, खींच के मरमन कान के नीचे दू तबड़ा पट ज्ञान होकर खुल गई। कहूं की तो पैसा चाहत रह, एक बार ना सोचले की जौना बेटा के इतना बड़ा पोष पाल के कहिए, वही बेटा के तू जान के दुश्मन हो गई धन के लालच में। रोवे लगल के जी हमके माफ कर दी, हमके माफ कर दी। मन ही मन सोचा तमन की गलती तो हर इंसान से होती है, गलती करे वाला से बड़ महान व्यक्ति को होलन जे गलती के क्षमा करेलन। गलती को जब नजरअंदाज करते हैं, गलती को क्षमा करने के बाद जिसको अपना लेते हैं इंसान, उसे भगवान कहते हैं। अपना लेलन बाबू पूरा परिवार के संगे अपन दिन बितावे लगलन। आखिरी भाव लिखल गई, गुरु बिहारी गुरु गणेश बच्चन जी बंगी।